एक जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है। मेरे सामने इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, सलीम जिजुआ साहब बैठे हुए हैं, मंसूर मिर्जा साहब मेरे लिए खुशी का मकाम है कि ये दो सबका जरूर मेरे साथ बैठे हुए, कलक लियाकत साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे सीनियर लोग बैठा हुआ है, जैसे बैठा हुआ है, पाकर साहब बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर लोग मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम होता है कि कभी किसी की ड्यूटी लग जाती है, कभी किसकी ड्यूटी लग जाती है। मैं तो आपके लिए वही एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। पिछले मेरा ख्याल है कि 35-36 ईयर से किसी पार्टी से वाबस्ता हूं, किसी पार्टी का ही पॉलिटिकल वर्कर हूं, ना किसी और जगह गया, मैंने अपने आप को वर्कर ही समझा और आज दिन तक मैं वर्कर ही समझ रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों, सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कह लें या इसको सानिया कह लें, इसको किस रंग में ले लें, हम मोहतरमा को याद कर रहे हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो एक पाकिस्तान की उम्मीद थी, पाकिस्तान की होप थी, पाकिस्तान का सब कुछ थी, वो सब कुछ भुला के उसको पता था कि ये मैं मोहतरमा के साथ था। 2003 अक्टूबर 2007 को मुझे ये शर्फ हासिल है कि मोहतरमा जब रहमान मलक के घर से निकली है, मोहतरमा के दो मोबाइल और उसका ब्लैक बेरी मेरे हाथ में था, मैं बीबी के साथ बाहर आया। जितनी हमारी लीडरशिप थी, बीबी ने इनको कहा कि आप पीछे हट जाए, चलो मेरे साथ, मैं बीबी के साथ वहां पे गया। तो बीबी ने उस दिन पाकिस्तान आने का सोचा और बीबी ने कहा कि मैं पाकिस्तान, 3 अक्टूबर 2007 को बीबी ने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। और मोहतरमा गई, वो एक नडर बहादुर लीडर थी, वो एक बहादुर लीडर थी, उसने प्रूफ किया। सानिया का एहसास हुआ, मोहतरमा ने अपना सफर जारी रखा, सबको पता था, मैदान में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में एक दो जगह पे हुआ, मोहतरमा ने अपना सफर जारी रखा और फाइनली मोहतरमा को 27 दिसंबर को शहीद कर दिया गया, आज से 15 साल पहले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी है और हमारे पास यंग लीडरशिप है। इस आप जिस भी लीडरशिप के चले गए, हमारे पास यंग लीडरशिप है, हमारे पार्टी को प्रोटेक्ट नहीं करना आ रहा कि हम किस तरह उसे बिलावल भुट्टो ने इतने कामयाब दौरे किए। मेरा ख्याल है कि पिछले 7 माह में आप देखें कि उसने कितने दौरे किए और उसने उसके क्या हदफ थे जो हासिल किए। फेडर सबसे बड़ा हदफ था, आज जो बातें करते हैं उसमें हिना रबानी था और बिलावल भुट्टो की बहुत सारी मेहनत है। बहुत सारे लोगों को हमें पता नहीं किस दलदल में धकेल के चले गए थे, ये उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ के साथ मिसाके जमहूरियत कर दिया था। उसी दिन पता चल गया था कि एक थर्ड कुवत यहाँ पे आ रही है। वो थर्ड कुवत की सूरत में उन्होंने कहा हमने बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की सूरत में हमारे पे एक अजाब मुसल्लत कर दिया गया है जो कि हमने 4 साल भुगता और एक जमहूरी तरीके से एक इत्माद से उसे घर भेज दिया। वो आज भी अपनी साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा। वो कहते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ओ भाई वो तो ट्रिपल एक्स प्राइम मिनिस्टर है। हमारे मुल्क को बदनाम जिस तरह उसने किया है, इससे बड़ी मिसाल उस मुल्क की कोई नहीं मिल सकती। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के छोटे छोटे मुल्क जहां की 5,000 की आबादी है, इतना थर्ड क्लास बंदा नहीं होगा जिस तरह की थर्ड क्लास वीडियो और थर्ड क्लास का कंजर खाना आ रहा है। किसी को पता कौन लोग हैं जो अपनी माए बहने, अपनी माए बहने उनके जलसों और जुलूसों में भेज देते हैं। मुझे तो शर्म आती है, घिन आती है उससे। हम मोहतरमा को याद कर रहे हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट है लिबरल पार्टी कैनेडा के, प्रेसिडेंट है लिबरल पार्टी कैनेडा के जनाब कैसर डार साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रेसिडेंट उस्मान साहब है
डॉक्टर ताहिर साहब बैठे हैं, बिलाल चुन्ना साहब बैठे हैं, ये हमारे अवैध सत्र विनय साहब बैठे हैं और बहुत सारे आवाम बैठे हैं, श्वेत साहब बैठे हैं, सुमरो साहब बैठे हैं और फौजान साहब बैठे हैं, अवान साहब बैठे हैं, अरशद अवान साहब, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पूरी क्यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राजा शफीक साहब है और कामरान मलिक साहब और भोला साहब, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ यहाँ पर तशरीफ लाए। और हमारे साथ आमिर गुजर साहब बैठे हैं और वकुर साहब है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये गोल्ड में अभी हमारे लिए पैरामेडिक में और मेडल लेके आए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे अहबाब यहाँ पे बैठे हैं, शाह सईदी साहब बैठे हैं और मलक लियाकत साहब बैठे हैं, अंजम भट्टी साहब बैठे हैं, खालिद बुखारी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, राजा शफीक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाए यहाँ पे। इम्तियाज साहब है, चौधरी सुजान साहब है और मैं कैप्टन आदर साहब और पिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे तशरीफ लाए। आप सब लोगों का बेहद मशहूर हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। राणा यासीन साहब अगर मैं किसी का नाम भूल गया, मैं माजरत चाहता हूँ उनसे। यहाँ पे दाहा साहब बैठे थे, मुनीर दाहा साहब, उनका भी मुझको नजर नहीं आ रहे किधर चले गए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राणा शिदाब साहब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो दोस्त आए हैं ऐसे पोकर साहब के साथ, उनका शुक्रिया। मैं तल्ला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो लोग अरफान मलिक साहब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आखिर में सलीम किंजवा साहब और मंसूर मिर्जा साहब, आपका कहते हैं मशहूर हूँ, बाबर साहब हमारे भाई हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा